नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज़। पुलवामा हमले पर रूस ने लिख भेजा मोदी को खत, डर गया पाकिस्तान। बात ही कुछ ऐसी थी, पुलवामा में CRPF के काफिले के ऊपर हुए हमले के बाद भारत पूरी दुनिया के साथ और दुनिया पूरे भारत के साथ एक साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक शोक संदेश भेजा है। उन्होंने सांत्वना व्यक्त करते हुए कहा कि हमले में शामिल लोगों को और उनका साथ देने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुतिन के संदेश में ये भी लिखा गया कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के प्रति हम सांत्वना व्यक्त करते हैं, इस क्रूर अपराध की निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों और प्रायोजकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें इसका बदला देना ही होगा। इससे पहले रूसी संघ दूतावास ने भी हमले की निंदा की थी और कहा था कि हम आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं, हम मृतक के परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसमें आगे और लिखा था कि हम बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि हम भविष्य में भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। दुख की घड़ी में हम भारत के साथ दोस्ताना सफ़र और संबंध निभाएंगे और लोगों के साथ हैं। आशा है जल्द से जल्द वो लोग ठीक हो जाएंगे। इस बात को सुनकर डर गया है पाकिस्तान। क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।